अनुराग पांडे है, कार्यक्रम संयोजक। क्या किस तरह का युवा महोत्सव का क्या उद्देश्य है आज इस कार्यक्रम का? ये उद्देश्य है आज युवाओं को एकजुट करने का। सबसे बड़ा उद्देश्य है युवाओं को जो है एकजुट किया जाए युवा महोत्सव के माध्यम से। आज युवाओं का जो है सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ में। यहाँ पे 50 नौजवानों का जो है सम्मान किया जाएगा, जो समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसको देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए, उनके समाज कार्यों को देखते हुए आज यहाँ 50 लोगों का हम लोग जो है सम्मान करने जा रहे हैं, जो हर क्षेत्र में से आते हैं। सामाजिक हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे पत्रकारिता क्षेत्र में हों, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हों, हर अलग अलग संस्थाओं के लोगों का जो है, क्षेत्रों से जो है लोग आते हैं, उनका सम्मान हम लोग युवा। अनुराग, ये मेन मकसद क्या है युवा महोत्सव के उद्देश्य? मेन मकसद हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि युवा जो आज उनको कोई मंच नहीं मिल पाता है, इतने कार्य करने के बाद भी उनको एक हम लोग यहाँ से एक मंच के द्वारा जो है उनका सम्मान करेंगे, उन लोगों को जोड़ने का काम है। सबसे बड़ा तो प्लेटफॉर्म ही उनको देना ही एक उद्देश्य है हम लोगों का। तो 50 लोगों जो सम्मान कर रहे हैं किस किस क्षेत्रों से है वो? हाँ, जैसे कि पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं, शिक्षा के क्षेत्र से हैं, प्रशासनिक क्षेत्र से हैं, और समाज सेवा के क्षेत्र से हैं। ऐसे करके नवनिर्वाचित युवा छात्र संघ के पदाधिकारियों का है, युवा बार एसोसिएशन के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का है। सब्सक्राइब करें AMS News Plus, खबरों में बने रहने के लिए। हर खबर, हर पल।